गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर 8. अभी तक हम लोग ने रिंग थ्योरी में क्वेश्चंस किए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी हैव डन एंड वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वी आर डूइंग पीवाईक्यू सीरीज एंड वी आर ऑन ईयर 2015. हमने इसके थोड़े क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में किए थे. हम आते हैं लेक्चर 8 पे एंड इसका पहला जो हमारा क्वेश्चन है सबको सामने दिख रहा होगा. इट्स रिटन इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी 1 एंड फाई एक होमोमॉर्फिज्म है from R to R dash, then prove that phi 1 is the unity of R dash. ठीक है, तो अभी तक मैं आपको बता दूं, पहली बात यहाँ पे तीन जो वो वर्ड्स हैं वो नए कॉइन हुए हैं. जो नए वर्ड्स हैं, रिंग का क्या डेफिनेशन होता है आई होप सबको पता होगा. रिंग, वॉट इज अ रिंग एंड वॉट इज अ यूनिटी एंड देन होमोमॉर्फिज्म इन रिंग्स का क्या डेफिनेशन है. वॉट इज द होमोमॉर्फिज्म इन रिंग, हमने अब तक ग्रुप में पढ़ा था. जैसे ग्रुप में था वैसे ही होता है कि एक फ्रॉम आर टू आर डैश एक दो रिंग्स होती हैं, उनके बीच में हम एक फंक्शन मैपिंग डिफाइन करते हैं, उसको होमोमॉर्फिज्म तब कहते हैं. एक तो हमने पढ़ा ही था कि देन व्हेन एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, बट नाउ वी शो द ऑपरेशन प्रिजर्वेशन रिस्पेक्ट टू द सेकेंड ऑपरेशन एज वेल. मतलब हमने याद है हम ऑपरेशन प्रिजर्वेशन दिखाते थे होमोमॉर्फिज्म में, बट हम रिंग थ्योरी में दोनों ऑपरेशन के रिगार्डिंग हम वी शो द ऑपरेशन प्रिजर्वेशन. ठीक है, और रिंग क्या होती है एवरीवन नोज. अगर आर एक नॉन एम्प्टी सेट है तो इट इज सेट टू बी अ रिंग इफ इट इज अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इफ इट इज अ सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एंड इफ इट फॉलोज इफ मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव बाय एडिशन. ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, एक रिंग बोलते हैं. और यूनिटी क्या होता है, यूनिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होती है कि a dot 1 is equals to 1 dot a which is equal to 1. It is actually in real it is the multiplicative identity you can say. It is the multiplicative identity and we represent it by 1. It's not necessary कि हमेशा 1 ही आए. ठीक है, जरूरी नहीं है. ऐसे ही जीरो एलिमेंट जो होता है, जीरो एलिमेंट जिसकी हम बात करते हैं उसको ये क्या होता है, जीरो एलिमेंट इज सेट टू बी द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यू कैन से फर्स्ट ऑपरेशन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो एलिमेंट कहते हैं. और उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हमेशा जीरो ही आए. तो ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजिंग होती है रिंग थ्योरी में. इट नेवर मीन्स, अगर कहीं वन लिखा है तो जरूरी नहीं है कि वो वन ही हो. वो कुछ भी उसका आपको निकालना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर रिंग का यूनिटी क्या है. तो ठीक है, मैंने आपको ये ब्रीफ दे दिया है तीन उसके बारे में. नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. अच्छा, तो क्वेश्चन में दिया है कि रिंग का जो यूनिटी है वो वन है आर का, और हमें फाइव होमोमॉर्फिज्म दिया है. हमें दिखाना है कि इस होमोमॉर्फिज्म का जो यूनिटी है वो फाइव वन होगा, मतलब आर डैश का यूनिटी है वो फाइव वन होगा. तो क्लियरली हमें दिया हुआ है कि आर इज अ रिंग गिवन, आर इज अ रिंग एंड वन बिलोंग्स टू आर. ठीक है, यूनिटी है, यूनिटी हमेशा रिंग को बिलोंग करती है. तो इसका मतलब क्या है, हम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी वी कैन डायरेक्टली राइट दैट आर डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट आर विच इज इक्वल टू आर फॉर आर बिलोंगिंग टू आर. ये सबको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी एक रिंग आर है, आर एक रिंग है और उसमें वन बिलोंग कर रहा है. तो इसके ये प्रॉपर्टी है, यहाँ मैं डायरेक्टली में लिख देती हूँ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी. ठीक है, यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है ये. ठीक है, नाउ गिवन है हमें अगेन that phi from R to R dash is a homomorphism. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर दिया हुआ it is a homomorphism, हमें clearly दिखना चाहिए that phi of A plus B will be equal to phi of A dot phi of B, sorry, plus phi of B. हम इसका एक question कर चुके हैं already, जो हमने characteristic वाला question किया था उसमें मैंने आपका ये एक बार यूज कर चुका है. वी हैव प्रूव्ड इट होमोमॉर्फिज्म, और एक्चुअली उसमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना था, बट मैंने जब आइसोमॉर्फिज्म में जब होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होता है देन आई प्रूव बोथ द थिंग्स. फाई ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी. ठीक है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं. तो ये गिवन है हमें. नाउ फ्रॉम दिस नाउ वी नो, मैं यहाँ से ले रही हूँ इसको, इक्वेशन स्टार मान लेती हूँ. नाउ फ्रॉम स्टार R dot 1 is equal to R. So now we know clearly that phi जो एक function है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं phi of R dot 1 is equal to phi of R. Now this is clear. इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए because function हमेशा well defined होता है. तो अगर A is equal to B, then phi of A is equal to phi of B. Clear?
ठीक है, तो ये हो गया हमारा. तो हम इस यहाँ पे नाउ विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सेकेंड प्रॉपर्टी. नाउ दिस सेकेंड, इसको मैंने मार्क करा है. तो नाउ बाय टू आई एम क्लियरली राइटिंग फाई ऑफ आर डॉट फाई ऑफ वन विल बी इक्वल टू फाई ऑफ आर, एंड आई मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन थ्री. ठीक है, ओके. अब हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा फाइव ऑफ आर. अब हम इस वाली इक्वेशन में देखो, हम क्लियरली किसमें आ गए हैं, आर डैश में, बिकॉज फाइव आर, फाइव वन एंड फाइव आर, ये तीनों चीजें जो हैं, वेयर फाइव ऑफ आर मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट बिलोंग्स टू आर डैश. तो हम यहाँ आर डैश की बात कर रहे हैं, फाइव आर एलिमेंट्स हैं आर डैश के. तो यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी, फाइव आर डॉट फाइव वन इज कमिंग टू बी फाइव आर, दिस शो दैट फाइव वन इज अ यूनिटी. अब हम क्लियरली नहीं कह सकते बिकॉज अभी हमने खाली राइट यूनिटी दिखाई है. अभी हम लोग को एक यूनिटी और दिखानी है. अगेन वी विल राइट फ्रॉम स्टार, विल टेक दैट वन डॉट आर इज इक्वल टू आर. ठीक है, ये वाला सेकेंड पार्ट लिया हम लोगों ने. अब इसको फिर से हम फाइव डालेंगे, तो फाइव ऑफ वन डॉट आर विल बी इक्वल टू फाइव ऑफ आर. ठीक है, फिर से बाय प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म या बाय टू लिख दो, यहाँ पे मैं फिर से बाय टू लिख रही हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ वन डॉट फाइव ऑफ आर इज इक्वल टू फाइव ऑफ आर, वेयर वी नो दैट फाइव ऑफ आर बिलोंग्स टू आर डैश, एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर. ठीक है, नाउ बाय इक्वेशन थ्री एंड फोर हमने क्या किया, यूनिटी की प्रॉपर्टी दिखा दी. देखो यहाँ पे भी क्या हमारी लेफ्ट यूनिटी दिख गई कि फाइव वन डॉट फाइव आर इज कमिंग टू बी फाइव आर, एंड फाइव वन बिलोंग्स टू आर डैश ओनली. सो दिस इम्प्लाइज दैट फाइव वन डॉट फाइव आर इज इक्वल टू फाइव आर डॉट फाइव वन which is equal to phi of r. Clear? So now we say this implies that phi 1 is unity in r dash by how? By definition of unity. Right? Unity ki definition yahi hoti hai na, ek aisa element jo ki us ring mein belong kare such that ye property hold honi chahiye. So it is clear. So now we have proved. Theek hai, this question is done. I hope ye question zyada tough nahi tha. मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर हर वर्ड को एक्सप्लेन किया है मैंने, हर एक उसको पॉइंट करके. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द वर्ड्स एंड आई हैव गिविंग यू डेफिनेशन ऑफ ईच टर्म. ठीक है, देन उसके बाद मैंने उसकी प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्रूव किया है, ज्यादा टफ नहीं है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आप तैयार हैं? ओके, तो अब हम आते हैं. अब हम बेसिकली जो आगे के तीन क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम रिंग की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं. ठीक है, रिंग की प्रॉपर्टीज या रिंग प्रूफ करना, फील्ड प्रूफ करना. मैं आपको रिंग की डेफिनेशन एक बार दिखाऊंगी सही से क्या होती है, आप उसको एक बार कॉपी कर लेना ताकि दिमाग में रहे. यहाँ पे तो देखिए 14 का क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है कि हमें जो एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, क्यू रूट फाइव इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव, A comma B belong to Q is a commutative ring with unity. ठीक है, तो हमें ये सेट बोला गया, हमें ये भी क्वेश्चन में दिया कि एक रिंग है, so we need to prove कि ये रिंग भी है. ठीक है, ठीक है. So पहली बात, रिंग होने के लिए ये एक सेट एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. तो क्या सबको दिख रहा है क्लियरली कि ये नॉन एम्प्टी सेट है? यस, बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू Q, जीरो बिलोंग्स टू Q रूट फाइव. यस, हाउ? जीरो प्लस जीरो रूट फाइव, राइट? ए बी दोनों को जीरो ले लेंगे तो जीरो कॉमा जीरो विल बिलोंग टू दिस, करेक्ट? ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन क्लियरली शो दैट इट इज नॉन एम्प्टी. तो हम लोग अब प्रूफ करेंगे. पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ एक बार रिंग की, अब से कॉपी कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अ नॉन एम्प्टी सेट. देखो पहला हमारा यही आ गया कि हमें देखना पड़ेगा कि वो सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है. ऐसा ग्रुप में भी था कि ग्रुप में भी जो हमें सेट लेना था वो नॉन एम्प्टी लेना था और बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए था, राइट? विद ऑपरेशन, जिसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशनल मल्टीप्लीकेशन हम मान के चलते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, दो ऑपरेशन होते हैं, इसको हम फर्स्ट ऑपरेशन सेकेंड ऑपरेशन कहते हैं. और उसको कहते हैं कि फॉर्म द रिंग इफ आर प्लस, मतलब आर विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप, आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप, एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं. ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों लॉज होल्ड करेंगे तो हम उसको रिंग बोलते हैं. एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं. मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके समझा देती हूँ. आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप. अब यहाँ आप रिवाइज करेंगे ग्रुप के बारे में. अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप पढ़ते हमें समझ में आना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, इनवर्स एंड आइडेंटिटी.
इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑपरेशन के 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 साथ आर का क्लोजर भी होना चाहिए, आइडेंटिटी भी होल्ड आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, इनवर्सेस भी होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए सारे एलिमेंट के, और वो एसोसिएटिव भी होना चाहिए आर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन. तो इस पर्टिकुलर में बहुत सारे हमारे पॉइंट्स आ गए. आई होप यू आर क्लियर. ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, इनवर्स एंड आइडेंटिटी. तो ये चारों चीजें आ गई अबेलियन. अब प्लस एक वन और, दैट इज कम्यूटेटिविटी. करेक्ट, बिकॉज इट शुड बी एन अबेलियन ग्रुप. तो हमने चेक करना है कि आर जो है वो दिख जाता है. एक्चुअली वी डोंट नीड टू प्रूव इट होल, बिकॉज ग्रुप हम पढ़ क्या है, हम यहाँ ग्रुप का यूज करते हैं. ठीक है, तो हम ग्रुप का यूज करते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, बिकॉज वी नो इट इन आर माइंड. ठीक है, और आर डॉट सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन आते हैं सबको पता होनी चाहिए, क्लोजर होल्ड करना चाहिए और एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए. तो क्लोजर मतलब ए डॉट बी शुड बिलोंग टू आर, एंड एसोसिएटिविटी मतलब ए डॉट बी डॉट सी शुड बी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी. आई होप यू क्लियर. ठीक है, एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए. ये दो और हो गए, तो ये हमारे चार, पांच, छह, सात, और ये हमारा आठवां है काइंड ऑफ, बट हम इसको छोटे में लिखते हैं तो हमें दिमाग में इट्स क्लियर. नाउ क्लियर द डेफिनेशन ऑफ रिंग. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन. ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, हमें गिवन है सेट, पहले हम सेट को देखेंगे, सेट को ऑब्जर्व करते हैं. सेट हमारे को दिया हुआ है क्यू रूट फाइव. ये काइंड ऑफ आपको दिख रहा होगा कि ये एक क्यू की सब रिंग है. ठीक है, क्यू की सब रिंग है, और क्यू हमारा आपको याद होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप. यस इट इज, एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप. आई होप यू रिमेंबर, बिकॉज इट हैज जीरो इन इट, इसकी वजह से उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता है. बट इट इज अ सेमी ग्रुप, एसोसिएटिविटी तो होल्ड करती है, क्लोजर भी होल्ड करता है. ठीक है, तो हम रिंग में प्रूव करने के लिए इन दोनों चीज को यहाँ प्रूव नहीं करेंगे, सीधे से लिखेंगे, बिकॉज हमने क्यू के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ग्रुप्स में. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए वी विल राइट क्लियरली. वी अभी हमने प्रूव किया दैट क्यू रूट फाइव इज नॉट इक्वल टू फाइव, इट इज नॉन एम्प्टी. ठीक है, एंड क्यू रूट फाइव with respect to addition, right? This is an abelian group. Abelian भी because we know that Q में commutativity hold करती है. अगर check करना है तो we can check also. ठीक है, और आप लोग खुद check करिएगा. Let me show. Okay, like I'll check. Okay. तो अगर हम लेते हैं abelian के लिए, हम मैं खाली commutativity check कर रही हूँ, बाकी सब कुछ हमें पता है because Q के बारे में हम already पढ़ चुके हैं and ये इसका subgroup ही है. ठीक है, तो Q का subgroup लाइक सब ग्रुप क्या मतलब समझ लो, या सब ग्रुप ही है. तो वी कैन टेक द एडवांटेज कि ए बी क्यू से बिलोंग कर रहा है. तो लाइक हमने क्या किया, ए प्लस बी रूट फाइव ये एक हमारा है, एंड सी प्लस डी रूट फाइव इट बिलोंग्स टू क्यू रूट फाइव. ओके, अब हमें दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप है. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी रूट फाइव commutative ring is like with respect to, sorry, abelian is like for addition, correct? For addition, abelian is for addition. So b root 5 plus c plus d root 5. So this will become a plus c plus root 5 common lete hain agar, this will become b plus d, correct? Ab hum q mein hain, to q mein we can write that a plus c is equals to c plus a and b plus d is equals to d plus b. And this will become equal to C plus D root 5 plus A plus B root 5. Okay? So this is exactly what I'm trying to say, that A plus B is equal to B plus A. This implies abelian. Okay? So we have proved that it is commutative with respect to addition. So it is abelian group. Now second is our first. If we call it second, let's call it third. Okay. So Q root 5. This will be with respect to multiplication operation is semi group. Associativity hold karegi. Ab yahan pe main proof nahi karungi, wo bahut long ho jayega because a comma b comma c will belong to q and in q associativity ye reason dena bhi kafi hoga. होल्स आप लोगों के लिए भी होगा काफी, बिकॉज इतना वो नहीं करवाएंगे, बिकॉज हमारा मेन क्वेश्चन जो है हमें प्रूफ करना है कि कम्यूटेटिव रिंग अभी हम प्रूफ कर रहे हैं, फिर कम्यूटेटिव भी प्रूफ करना है और आइडेंटिटी भी निकालनी है. ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विद
होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड ऑपरेशन है ना, हमें यहाँ पे ऑपरेशन बताना बहुत जरूरी है बिकॉज करता तो एडिशन की उससे भी है, बट हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाना पड़ेगा बिकॉज सेमी ग्रुप है ना, तो हमें बताना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. अब हम एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे, वन आई विल प्रूव द सेकेंड वन, इट इज ऑटोमेटिक कि अगर एक कर रहा है तो सेकेंड वाला भी करेगा. ठीक है, लेट, अब हमको तीन लेने हैं, ए प्लस बी रूट फाइव कॉमा सी प्लस डी रूट फाइव कॉमा ई प्लस एफ रूट फाइव, दिस बिलोंग्स टू क्यू रूट फाइव. ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है ये बिलोंग कर रहे हैं. अब हमें प्रूव करना है ए प्लस बी रूट फाइव डॉट ब्रैकेट सी प्लस डी रूट फाइव प्लस ई प्लस एफ रूट फाइव इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव डॉट सी प्लस डी रूट फाइव प्लस ए प्लस बी रूट फाइव डॉट ई प्लस एफ रूट फाइव. करेक्ट, हमें यही प्रूफ करना है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ठीक है, पहले हम ये अलग पार्ट करते हैं, दिस इज हमारा एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड विल प्रूव. तो क्या हो जाएगा, ये पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ए प्लस बी रूट फाइव डॉट ब्रैकेट विल बिकम व्हाट विल बिकम सी प्लस ई प्लस रूट फाइव डी प्लस एफ. करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो अब ये क्या हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू नाउ वी मल्टीप्लाइड विल बिकम ए ए सी प्लस ई प्लस ए रूट फाइव डी प्लस एफ प्लस बी रूट फाइव सी प्लस ई प्लस रूट फाइव रूट फाइव फाइव बी डी प्लस एफ. क्लियर, यस. तो विच कैन बी रिटन एज ए सी प्लस ए ई प्लस ए डी रूट फाइव प्लस ए एफ रूट फाइव प्लस बी सी रूट फाइव प्लस बी ई रूट फाइव प्लस फाइव बी डी प्लस फाइव बी एफ. नाउ इफ वी अब देखो, अब यहाँ से हमें लाना है या लेट्स सी हेयर ओनली. देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए, ये हमारा आर एच एस है, आर एच एस को हम अपने दिमाग में देख सकते हैं क्या आएगा, ए सी प्लस ए डी रूट फाइव प्लस बी सी रूट फाइव प्लस बी डी फाइव बी डी. देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सम अप. तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी प्लस, यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट्स हैं, ए सी प्लस ए डी रूट फाइव, ए डी रूट फाइव मतलब ये रहा प्लस ए डी रूट फाइव इट हैज. ठीक है, देन इट इज बी सी रूट फाइव इट हैज, यस, प्लस बी सी रूट फाइव प्लस फाइव बी डी. तो ये हमारा पहला वाला हो गया, बाकी जो बचे वो सेकेंड वाले के क्लियरली हो जाएंगे. दिस विल बी ए ई, दिख रहा होगा आपको ये ए ई बचा. ठीक है, प्लस ए ए एफ रूट फाइव, यू कैन सी क्लियरली दिस इज ए एफ रूट फाइव, ए एफ रूट फाइव प्लस देन इट विल बी बी ई रूट फाइव, बी ई रूट फाइव. ठीक है, देन इट विल बी फाइव बी एफ, राइट, यस. सो ये हो गया. ठीक है, तो हम लोगों ने क्लियरली दिखा दिया कि यहां से लेकर के यहाँ वाला टर्म और यहाँ से लेकर यहाँ वाला टर्म. ठीक है, और यहाँ देखो प्लस है बीच में, तो दिस इज वॉट, दिस इज a plus b root 5 multiplied by c plus d root 5, yes, and plus we have calculated a plus b root 5 multiplied by c sorry e plus f root 5. ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया दिस इक्वल टू आर एच एस. नाउ वी हैव प्रूव दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. दिस इंप्लाइज दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स. Correct. So now by all these properties, by all the above properties, properties, we have proved that जो हमारा given set था Q root 5 is a, या हम लोग ऐसे लिखते हैं, how do we represent a ring, right? So we say Q bracket root 5, that is the set with respect to addition and multiplication is a ring. Correct? Now, हमारे question में आप क्या पूछा है? Let's go back to the question. It asked, is a commutative, अब ring proof कर दिया, अब commutative ring with identity. Okay. Identity it has set, तो इसका मतलब क्या है? Identity से दिमाग में तुरंत आना चाहिए.
कि विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन हमारी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। और कम्युनिटिव मतलब रिंग, कम्युनिटिव रिंग क्या होती है कि शुड बी कम्युनिटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो फॉर कम्युनिटिविटी फॉर ना कम्युनिटिव रिंग, फॉर कम्युटेटिव। अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं वो हम दिखाएंगे ना। अब हमने रिंग तो प्रूफ कर दिया है, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट ए प्लस बी रूट फाइव कॉमा सी प्लस डी रूट फाइव इट बिलोंग्स टू क्यू रूट फाइव, ओके। तो दिस बिलोंग्स टू क्यू रूट फाइव। हमें शो करना है, कम्युटेटिव रिंग में हमें शो करना पड़ता है कि ए प्लस बी रूट फाइव डॉट c plus d root 5 will be equal to c plus d root 5 dot a plus b root 5, ठीक है। यहाँ पे हम LHS से शुरू करेंगे, LHS LHS, ओके। a plus d root 5 dot c plus d root 5 which is equals to ac plus bd root 5, ठीक है, plus BC, AC plus BD, AC plus AD root 5, I'm sorry, AC plus AD root 5, AC plus AD root 5 plus BC root 5 and plus 5 BD, right? अब हमको ये है और we can see that A comma C belongs to Q, correct? So AC belongs to Q and CA will also belong to Q and AC will be equal to CA, right? Because Q है हमारा, so Q में commutativity hold करती है for the elements, so we can clearly say that AC can be written as CA and plus, इसका reason यही है कि हमारा जो A, B, C और D है वो तीनों जो चारों चीजें हैं वो किससे belong कर रही है, Q से belong कर रही है, तो commutativity hold in Q, ठीक है। डी ए रूट फाइव प्लस सी बी रूट फाइव प्लस फाइव डी बी, करेक्ट। अब हम उल्टा देखते हैं, ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा सी ए प्लस सी बी रूट फाइव, राइट। अब हमें पता है कि रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है कि ए प्लस बी देन बी प्लस ए, तो वी कैन रिटन एज सी ए प्लस सी बी रूट फाइव प्लस डी ए रूट फाइव प्लस फाइव डी बी, करेक्ट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज हम यहाँ पे क्लियरली बिकॉज यहाँ मैं लिख देती हूँ बिकॉज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे है और इसका रीजन है बिकॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इन क्यू, तो यहाँ पे हमारा ए ये बी ये, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ओके। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। नाउ वी कैन क्लियरली सी सी ए प्लस सी बी रूट फाइव प्लस डी ए रूट फाइव प्लस डी बी रूट फाइव, सॉरी डी बी फाइव, फाइव डी बी, राइट। सो दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट फाइव डॉट ए प्लस बी रूट फाइव, तो हेंस दिस इम्प्लाइज क्यू रूट फाइव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ कम्यूटेटिव रिंग। हमारा एक पार्ट हो गया, अब हमें कम्यूटेटिव रिंग प्रूव कर दिया है। नाउ वी कम टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम उनको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, वी नीड टू शो इट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ वी लेट एक्स प्लस वाई रूट फाइव दिस बिलोंग्स टू क्यू फाइव बिकॉज जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो क्यू रूट फाइव में बिलोंग तो करनी चाहिए, ठीक है। बी द आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी का जो हमें प्रॉपर्टी पता है वो हम लगाएंगे। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी रूट फाइव प्लस एक्स प्लस वाई रूट फाइव विल बी इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, राइट, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए प्लस एक्स प्लस रूट फाइव बी प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव, करेक्ट। नाउ ऑन कंपेरिजन वी कैन सी दैट ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी प्लस वाई इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 + 0√5. This and this clearly we have seen in the beginning only. This belongs to q√5. Okay. But now we will check for the right identity. We have checked it for the we checked for the right identity. Now we will check for the left identity. Now 0 + 0√5 + a + b√5. This will be equal to 0 + 0 + a + 0 + b√5, which is equals to a + b√5. Correct. So this implies 0, we can like 0 or bracket mein 0 + 0√5 is the identity of q√5 with respect to addition and multiplication. Done. So now this question is done. Humne ye question kar liya. Theek hai. आई होप ये क्लियर होगा आपको. इसमें भी हमने मैंने को बताया था कि आने वाले क्वेश्चन, अभी इसके आगे भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी हम रिंग की डेफिनेशन यूज करेंगे. फिर उसमें पूछा होगा कि बताओ क्या है, तो हम वो सब यूज करेंगे. कि फील्ड होगा तो फील्ड की डेफिनेशन यूज करेंगे. ऐसे कर करके वी नीड टू प्रूव. और ये क्वेश्चन कम से कम 15 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं, तो प्रूविंग करने में कोई भी हर्ज नहीं है. यू प्रूव इट नॉर्मली अच्छे से एंड यू विल गेट द मार्क्स. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी इतना टफ नहीं है. बस आपको डेफिनेशंस अपने दिमाग में, यू नीड टू कीप इट क्लियर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यही 2014 का ही. शो दैट द सेट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ को आपको पता होगा यूनिटी वाले रूट्स ऑफ यूनिटी है ये, ठीक है, ओमेगा को बोलते हैं. वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर्स is a field with respect to usual addition and multiplication. तो हमें दिखाना है कि ये जो हमें सेट दिया हुआ है वो एक क्या है, फील्ड है, ठीक है, फील्ड है. तो हमें क्लियरली दिखाना पड़ेगा कि इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट. एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट और इट हैज अ यूनिट. एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ यूनिट. ओके, यस. सो now we need to prove first field का मैं लिख देती हूँ. field implies what we need to prove, commutative. फिर से देखो हमें set दिया हुआ है, ring नहीं दिया हुआ है, ठीक है, commutative ring with unity in which every non zero element is a, sorry, has a unit. Okay, so ये हमारी definition है field की. Now we come to the answer. हमें दिया हुआ है, इसको हम let कर लेते हैं. Let R is equal to a plus b omega such that omega square is equals to 1 and a comma b belongs to हमारा real number R. ये R और इस साथ में कंफ्यूज नहीं होना है, ये रियल नंबर का सेट है और ये R हमने एक सेट लिया है. क्लियरली देख सकते हैं कि a प्लस बी ओमेगा इज नॉन, R इज नॉन एम्प्टी. फर्स्ट हमारा क्लियरली R इज नॉट इक्वल टू 5 एज 0 बिलोंग्स टू R, ठीक है. a कॉमा b दोनों 0 हो सकते हैं, R से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो 0 तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है. तो इट इज नॉट एम्प्टी. ओके, नाउ सेकेंड वन वॉज this with respect to addition is an abelian group. Now how do we know that? Because a comma b R से belong कर रहे हैं और हमें पता है कि जो R होता है वो एक abelian group होता है with respect to addition. तो ये भी होगा, तो हम clearly देख सकते हैं. मैंने बताया था सब कुछ तो मैं प्रूव नहीं करूंगी, बट या लास्ट में विल प्रूव द अबेलियन थिंग ग्रुप इट इज, ठीक है. सो वी कैन से दैट R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ अबेलियन ग्रुप. हम अबेलियन के लिए प्रूफ करेंगे. अबेलियन के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए प्लस बी ओमेगा कॉमा सी प्लस डी ओमेगा बिलोंग टू आर. हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ए, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी विल बिलोंग टू रियल नंबर्स, करेक्ट. ये हमारी वो दी हुई है सेट में. तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू शो दैट ए प्लस बी ओमेगा प्लस
सी प्लस डी ओमेगा इज इक्वल टू सी प्लस डी ओमेगा प्लस ए प्लस बी ओमेगा, करेक्ट? नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी प्लस डी ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस सी, राइट, प्लस बी प्लस डी ओमेगा. Now clearly we know that if a comma c belong to R, real number, then a plus c belong to R and c plus a also belong to R and they're equal. Why? Because R is an abelian group with respect to addition. So हम यहाँ use करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं c plus a plus d omega. यहाँ पे लिखेंगे since a comma b comma c comma d they belong to real number. इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, या ये भी लिख दो, या and R with respect to addition is an abelian group. ये लिख सकते हो, ठीक है? या आप लिखोगे वैसे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. This is equal to, यहाँ पे देख लो, C plus A आ जाएगा and D plus B omega आ जाएगा. तो this is equal to C plus D omega plus A plus B omega. So we have proved it is abelian. ठीक है? Now the third one is that R with respect to multiplication is a सेमी ग्रुप. अब इसमें मैं प्रूव नहीं करूंगी कि एसोसिएटिविटी, बिकॉज आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इट इज नॉट अ ग्रुप, इट इज नॉट अ कम्प्लीट ग्रुप, बट येस इट इज, इसमें क्या करते हैं, क्लोजर होल्ड करता है और एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है. मतलब अगर ए बी है, ए डॉट बी डॉट सी, इसमें मैं लिखूंगी इट इज अ सेमी ग्रुप एज आर इज अ सेमी ग्रुप एंड इन कैसे एंड ए कॉमा बी, मतलब आर आर इज अ सेमी ग्रुप. ठीक है, आर एक सेमी ग्रुप है. क्या लिख सकते हैं, एज एसोसिएटिविटी विल होल्ड. ठीक है, सिंस मैं यहाँ लिख देती हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, जो भी तीन हम एलिमेंट लेंगे उनका, दे विल बिलोंग टू आर एंड आर इज एन, इट इज अ सेमी ग्रुप, इट इज इट होल्ड्स इन आर एंड इन आर एसोसिएटिविटी होल्ड्स. विद रिस्पेक्ट टू लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एडिशन के हिसाब से भी करती है, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो यहाँ लिखेंगे कि हम को पता है कि किसके रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, सेमी ग्रुप हो जाएगा. नाउ वी डायरेक्टली नीड टू प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस. बाई मैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करूंगी. नाउ द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. लेट ए प्लस बी ओमेगा C plus D omega and E plus F omega belong to R, where A comma B comma C comma D comma E comma F they all belong to real number. Correct? So हमें क्या दिखाना है? We need to show that A plus B omega dot C plus D omega plus E plus F omega is equal to A plus B omega dot C plus D omega plus A plus B omega dot E plus F omega. Okay, to show that. Now let's start by LHS. Left hand side. Okay, ये हो जाएगा A plus B omega dot bracket में क्या हो जाएगा? Will be C plus E plus D plus F omega. ठीक है, अब देखो ये हम लोग same pattern पे चल रहे हैं as we done in the previous question. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू सी प्लस ई प्लस ए इंटू डी प्लस एफ ओमेगा प्लस बी ओमेगा सी प्लस ई प्लस, ये देखो यहाँ ओमेगा 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 स्क्वायर देखो गिवन है क्वेश्चन में, इट इज इक्वल टू वन, ओमेगा स्क्वायर इज गिवन टू बी इक्वल टू वन, सो वी गेट इट टू वन एंड इट विल बिकम बी इंटू डी प्लस एफ. ओके, या सो इट विल बी ए सी प्लस ए ई प्लस ए डी ओमेगा प्लस ए एफ ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा प्लस बी ई ओमेगा एंड प्लस बी डी प्लस बी एफ.
Now let's see the right hand side. Clearly you can say TAC plus AD omega plus BC omega plus BD, correct? तो हम यहाँ पे इसको एक साइड क्लब कर देंगे तो ये हो जाएगा AC plus AD omega, right? Plus BC omega plus BD. तो हमारा ये AC, AD omega, BC omega and AC, AD omega, B, हाँ, sorry, BD. Yeah, BD is done. हाँ, BD is done. Correct. Now our left is AE plus AF omega. Yes, plus BE omega and plus BF. ठीक है, तो यही हो गया. Now we can write now this whole and this whole is separate and we have this addition in between which can be written as A plus B omega dot C plus D omega plus A plus B omega dot E plus F omega. Therefore, distributivity holds and which is equal to RHS. ठीक है, so by all the four conditions this implies that R with respect to addition and multiplication is a ring. Now we have done a first part ki ring hai. Now we need to prove it as a commutative ring. Then with unity, now we take out the unity and then every non-zero element has a unit. We need to show that as well. Okay. So our first part is done. Now commutative. Now aapko pata hoga, clearly yaad hoga, commutative ring mein wahi hota hai na ki अगर a डॉट b शुड बी इक्वल टू b डॉट a. ठीक है, नाउ लेट a प्लस b ओमेगा कॉमा c प्लस d ओमेगा बिलोंग टू r. ठीक है, टू शो विन टू शो दैट a प्लस b ओमेगा डॉट c प्लस d ओमेगा इज इक्वल्स टू c प्लस d ओमेगा डॉट a प्लस b ओमेगा. राइट, नाउ फिर से LHS से वी विल स्टार्ट. HS will be A plus B omega dot C plus D omega, which is equal to AC plus AD omega plus plus BC omega plus omega square is equal to 1 BD. Correct? अब हम इसको लिख सकते हैं CA plus DA omega plus CB omega plus DB. ठीक है, वाई, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली हमें पता चलना, यहाँ पे पता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग टू आर. यहाँ पे लिख देते हैं सिंस ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग टू आर एंड इट इज अबेलियन, मतलब कम्यूटेटिविटी होल्ड इन आर. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज सी ए प्लस, अब ये हमें फर्क नहीं पड़ता एडिशन में कि ए प्लस बी लिखा है या बी प्लस ए लिखा है. दिस कैन बी रिटन एज सी ए प्लस सी बी डब्ल्यू प्लस डी ए डब्ल्यू प्लस डी बी. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं विच एन रिटन एज सी प्लस डी ओमेगा डॉट ए प्लस बी ओमेगा. करेक्ट, सो वी हैव शोड विच इज इक्वल टू आर एच एस. सो दिस इम्प्लाइज आर प्लस डॉट, इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग. अब इसके पहले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी निकाली थी. Now we come for the unity. Unity क्या होती है? Identity, multiplicative identity. ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, let करेंगे, let x plus y omega which belongs to R be the unity. अब unity की हमें property पता है. This implies for all a plus b omega belonging to R, a plus b omega dot x plus y omega should be equal to a plus b omega. This is definition for the unity. Now this implies hum karenge multiply to ye ho jayega ax plus a by omega plus bx omega plus by. theek hai, to ye hum yahan pe directly kar dete hain ax plus by plus a by omega plus bx omega. theek hai, to ye ho jayega ए वाई प्लस बी एक्स ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा ऑन कंपेयरिंग. दिस इम्प्लाइज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एंड ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू बी. राइट,
हमें दो लाइक लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. वी कैन, और वी कैन राइट बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी. नाउ मल्टीप्लाइंग दिस बाय बी एंड दिस बाय ए, वी गेट बी ए इज इक्वल टू ए बी, होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, वी गेट ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी, एंड ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी. नाउ सब्ट्रैक्टिंग द बोथ द इक्वेशंस वी गेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो. करेक्ट, तो यहाँ पे वी क्लियरली नो दैट ए एंड बी बिलोंग टू आर एंड ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो. वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज y is equal to 0 upon b square minus a square which is equal to 0. हमारे लिए y क्या आया? This implies y is equal to 0 आ गया हमारा. Now we knew that ax plus by is equal to a. This implies ax is equal to a and this implies that x is equal to 1. So therefore unity element क्या है? Unity is x plus y omega which is equals to 1 plus 0 omega which is equals to 1 itself, and this belongs to R. Okay, so unity belongs to R, 1 belongs to R. Now we'll check, and also we can say that humne kaise liya tha, kaun se part pe liya tha. Okay, so hum kya karenge yahan pe, 1 plus 0 omega hum check karenge na, so a plus b omega lenge, so ye kya ho jayega, a plus b omega, 0 into a 0 and 0 plus 0 and 0 which is equals to a plus b omega and which is correct. Okay, so this implies unity is 1. Okay, unity is 1 and belongs to R, that's correct. Okay, 1 plus 0 omega, this is possible because x comma y jo hai wo R se belong kar rahe hain, kuch bhi ho sakta hai. Correct. Okay, so ye hamara ho gaya unity. Now we come to unit. Let a plus b omega inverse belong to R. हमें show करना है, ठीक है? We need to show that every let a plus b omega belong to R and is not equal to zero. A comma b belonging to R. ठीक है? हमें show करना है कि unit every non-zero element has a unit and it is non-zero. A plus b omega is not equal to zero. ठीक है? So it is not zero element and we need to show that it has a multiplicative inverse. ठीक है? हम लेट करेंगे, लेट करेंगे ए प्लस बी ओमेगा इनवर्स बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. हमें निकालना है क्या होगा. दिस इंप्लाइज ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा इनवर्स विल बी इक्वल टू वन. यूनिटी, यस. तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा इनवर्स विल बी इक्वल टू वन बाय ए प्लस बी ओमेगा. बट क्या ये किसी तरह से भी दिस लग रहा है बिलोंग करते हुए? नहीं, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे. वन अपॉन ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा अपॉन ए माइनस बी ओमेगा विच विल बिकम ए माइनस बी ओमेगा अपॉन a square minus b square, right? This will be a upon a square minus b square minus b upon a square minus b square omega, or you can write plus minus sa. Okay, so now we can give this a new term c and this is a d and they both belong to R clearly. Okay, so ye ho jayega hamara R. So this implies this is equals to c plus d omega. Okay, तो हमारा ए दिस बिलोंग्स टू आर, सॉरी यहाँ हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि दिस बिलोंग्स टू आर, सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पहले ये नाम लिखो, दिस बिलोंग्स टू हमारा रिंग आर, दिस बिलोंग्स टू आर. सो वी कैन से वेयर सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डी इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, बिकॉज क्लियरली बी रियल नंबर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल नंबर में बिलोंग करेगा, तो ए अपॉन बी भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा. ये दिख रहा है हमें, क्लियर है? तो ये हमें क्लियर हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है.
दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी ओमेगा हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी ओमेगा इज अ यूनिट. यूनिट क्या होता है जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे तो इज अ यूनिट. ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लिखा था इट्स नॉट हैज अ यूनिट, इट इज अ यूनिट. ओके, बाय बिकॉज यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, इफ इट इफ यूनिट की डेफिनेशन यही होती है कि अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको यूनिट बोलते हैं. ठीक है, तो वो ए प्लस बी ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए प्लस बी ओमेगा यूनिट है एंड ए प्लस बी ओमेगा एक आर्बिटरी एलिमेंट है. ए प्लस बी ओमेगा बिलोंग टू आर इज आर्बिटरी. ठीक है, एंड इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट. सो देयरफॉर बाय ऑल द कंडीशंस प्रूव्ड अबव दिस इम्प्लाइज दैट R with respect to addition and multiplication is a field. So this was a lengthy question. ऐसे questions lengthy होते हैं. मैंने सारी चीजें प्रूव करी हैं. Field को प्रूव करने के लिए I proved everything. It is a field with respect to usual addition and multiplication. Okay. So I hope it is clear to everyone what we have done. Abelian group प्रूव किया. फिर मैंने उसको semi group बताया कि reason दिया. फिर मैंने उसके लिए यूनिटी निकाली है. फिर कॉम्पिटिटिव रिंग प्रूफ किया, यूनिटी निकाली. देन एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ यूनिट इज अ यूनिट भी प्रूफ कर दिया है. ओके, आई होप इट्स क्लियर, नॉट दैट टफ. इट्स जस्ट द यूज ऑफ डेफिनेशन, जस्ट द यूज ऑफ डेफिनेशन. ओके ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ओके, ईयर 2014, शो दैट Z7 इज अ फील्ड, देन फाइंड दिस एंड दिस. ओके, सो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ग्लिच है. हमें ये बोला गया है कि इसका और इसका इनवर्स निकालना है, बट हमें ये नहीं बताया गया कि वी नीड टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स और द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, अब तो हम लेके चलते हैं कि विल फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके ओके, विल फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फाइन, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाना है कि Z7 एक फील्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्योरम यूज करेंगे. एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड. ठीक है, फाइनाइट में यूज होता है, इनफाइनाइट का वी कांट से. ठीक है, वी डोंट नो. सो यहाँ पे फर्स्ट वी नीड टू शो that Z7 is a ID. ठीक है, ID. Now we know that Z7 is obviously it is ID to Z7. हमें पता है यहाँ पे हमारा Z7 क्या है. Z7 respect to addition and multiplication and ID जो होता है वो हम use करते हैं respect to multiplication, right? Second operation. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? ये होता है हमारा जो होगा ठीक है. तो हमने यहाँ यूज किया है ये कि इट इज फाइनाइटिकल डोमेन इज अ फील्ड. हमने देखा दिया कि ये फाइनाइट है. यू कैन सी दैट इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3, हाँ n-1 एलिमेंट्स होते हैं क्लियरली. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इट हैज 6 एलिमेंट्स, इट इज फाइनाइट. राइट, नाउ वी नीड टू शो दैट इट इज अ इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, अगर हम कोई भी इनमें से दो एलिमेंट लेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू Z7 एंड सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि कोई भी एलिमेंट आप लोगे, 1 into 2 करोगे, 2 into 3 करोगे, आप इसको लिख सकते हो पूरा. यू कैन राइट इट होल, जैसे 1.2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, 1.3 इज 3, 1.4 इज 4, 1.5 इज 5, 1.6 इज 6, 1.7 इज 7. बट इफ ए बी इज टू बी 0, देन 0 शुड बिलोंग ना, बट 0 तो नहीं बिलोंग करता.
ओके सो दिस अप्रोच फेल्स. ए डॉट बी इट शुड बी इक्वल टू बी डॉट ए इट शुड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन इधर ए जीरो और बी जीरो बट इसमें तो नॉट पॉसिबल बिकॉज जीरो तो है ही नहीं इसमें सो वी डोंट यूज दिस अप्रोच फाइन दिस अप्रोच विल नॉट वर्क हियर वी नीड टू शो दिस अ फील्ड ठीक है फील्ड दिखाना है we need to go again from the base and we'll show the entire thing that we need to prove फिर से फील्ड की डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी हमें रिस्पेक्ट टू दैट सेवन के उसमें ठीक है तो इट इज वेरी इजी नॉट दैट टफ ठीक है और इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं प्रूव हो पाया ये मेरे कुछ कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज दैट सेवन एक फील्ड तो होता है ठीक है फाइनल इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड तो शायद ये एक एक्सेप्शन होगी भी ठीक है डोमेन फील्ड होता है पर शायद सॉरी फील्ड तो होता है बट भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा बिकॉज यूनिटी होनी चाहिए यूनिटी तो है वन तो है इसके अंदर ठीक है तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एलिमेंट्स होते हैं बट इफ यू टेक ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इधर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है ए बी इज इक्वल टू जीरो लाइक हाउ ए बी इज इक्वल टू जीरो पहली बार इसमें ए बी इज इक्वल टू जीरो कौन सा हो रहा है Four, three, four is a 12. A dot B is equal to zero. Then either A is zero or B is zero. Okay, B is equal to zero. नहीं तो इसमें कुछ ग्लिच आ रहा है लेट्स लीव इट लेट्स गो बाय आवर बेसिक डेफिनेशन ठीक है हाँ तो फिर अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे तो जेड सेवन एक फील्ड है हमें प्रूफ करना है ठीक है तो जेड सेवन हमें पता है ओके जेड सेवन इज अ फील्ड टू प्रूफ ठीक है नाउ फॉर फील्ड अगेन इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट राइट सो नाउ विल स्टार्ट विद द बेस फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियरली जानते हैं कि जेड सेवन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप यस इट इज इसमें कोई डाउट नहीं मैं प्रूव भी नहीं करूंगी बिकॉज हमें ग्रुप में पढ़ चुका है सेकंड जेड सेवन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव सेमी ग्रुप इट इज इवन अ ग्रुप बट हमें पता है कि उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती है यू एन जो हम पढ़ते थे करेक्ट थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑल्सो होल्ड ये अब मैं इसको प्रूव नहीं करूंगी आई नॉट प्रूव इट बट आई नो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होते हैं इट होल्ड्स ठीक है सो चलो मैं एक प्रूफ कर देती हूँ एक ट्राई करती हूँ प्रूफ करने का अगर ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो जेड सेवन से बिलोंग करते हैं ठीक है देन वी नीड टू प्रूव दैट ए डॉट बी प्लस मॉडुलो सेवन सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करेक्ट तो यहाँ पे कुछ नहीं है ए प्लस सेवन सी ये जो होगा हाँ तो क्लियरली इट इज ट्रू दैट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करेगी ठीक है सो अब हम आते हैं दिस इज द दिस इम्प्लाइज और नॉन जीरो भी है बिकॉज वन टू थ्री फोर बिलोंग करते हैं पता है नॉन जीरो है तो जेड सेवन इज अ रिंग कम्यूटेटिव रिंग है बिकॉज हमें पता है कि कॉम्पिटिटिविटी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यू एन हमारा जो था यू एन यप तो इट इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग ओके तो यू एन इज इट इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर वन डॉट मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सेवन सॉरी ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सेवन बी विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सेवन ए करेक्ट ये हमारा होल्ड करता है दैट इज लिख दो यहाँ पे यू एन दैट इज ये हम सारा सारा ग्रुप से रिलेट करके बता रहे हैं ठीक है कम्यूटेटिव रिंग होल्ड करता है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जेड सेवन राइट तो मैं सही से लिख देती हूँ ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो ओके या सो इट इज कम्यूटेटिव रिंग अब यूनिटी क्या होगी यूनिटी वी क्लियरली नोट इज वन यूनिटी इज वन and it belongs to Z7 ठीक है and every non-zero element is a unit why because हमें पता है कि जैसे
अभी मैंने बताया था आपको 1.z7, z7 क्या होगा, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6, राइट। तो ये होगा हमारा, तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। अगर हमने जैसे एवरी नॉन जीरो एलिमेंट कोई एलिमेंट लिया 2, तो 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, एन शुड बी इक्वल टू 1, राइट। सो व्हाट विल बी एन, एन विल बी इक्वल टू 4, करेक्ट, 4 होगा, बिकॉज 2 4s are 8 एंड 8 मॉडुलो 7 इज 1, करेक्ट। तो n हमारा 4 होगा, तो n का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 4 है एंड 2 इज अ यूनिट। ऐसे ही अगर हम सबका देखेंगे तो वी विल गेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट and we'll get to know that every element is a non-zero element is a unit and non-zero element to sare hai hi hain, they are unit, right? theek hai, to hume ye prove ho gaya, then unity ho gaya, non-zero element is a unit, theek hai. This implies that every non-zero element is a unit, correct? to humne prove kar diya hai, this implies by all the above conditions Z7 plus dot is a field, correct? ठीक है। Now now हमें पता करना है कि to calculate या to हमें to find five plus six का whole inverse, पहला ये and second is minus 4 का होल इनवर्स, राइट। सो नाउ वी कैन से फर्स्ट वाला करते हैं, 5 plus 6 का होल इनवर्स, पहले ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर एड इट, तो 5 plus 6 क्या होता है, यहाँ पे प्लस जो भी मॉडुलो 7 वाला है, तो 5, 6, 11 होता है, 11 mod 7 क्या होता है, 4 इनवर्स होता है, करेक्ट, 4 होता है, 11 और 7, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। तो 4 आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 इनवर्स, ठीक है, 4 इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 क्या होगा, तो 4 डॉट n शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 विल बी 4 16 4 2 3 12 16 4 5 20 20 20 no 4 24 4 28 जीरो होना चाहिए वो, तो then so 4 का इनवर्स आता है, आई थिंक अगर हम एडिटिव इनवर्स मानते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 5, 6, 11 होता है, 11 mod 7 इज 4, ठीक है, तो 4 प्लस n इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 7, ठीक है, तो 4 plus 4 is 8, तो 4 का तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है, और 4 plus 3 is 7, तो वो तो 0 हो जाएगा, 4 plus 4 is 8 एंड 8 mod 1 is 1, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स जो आएगा वो तो 4 ही आ रहा है, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, ठीक है, 7 is equal to 1, ये क्या आएगा, 4 2 is 8, 2 आएगा, 2 आएगा, राइट, तो 2 आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स इज, यहाँ पे ऐसे करके लिख देना, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू 4 इटसेल्फ एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 2, ठीक है, ऐसे हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, माइनस 4 इनवर्स, राइट, ये हमारा ये हो जाएगा, तो ये हमारा 4 का इनवर्स अभी हमने कैलकुलेट किया, या तो माइनस 2 आएगा या तो माइनस 4 आएगा, ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन
दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, दैट आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर. मैं आपको समझा दूंगी कि जेड सेवन जो फील्ड है उसमें वाले थ्योरम कैसे यूज नहीं हो पाए. इतनी एक्सेप्शन है एक, ये फील्ड तो है, ये तो क्लियर है, ठीक है, बिकॉज एवरी सेवन इज अ फील्ड, राइट. ओके, सो इज इट क्लियर? यस. ओके, तो हमने सारा वो पार्ट यूज कर लिया, सारे प्रॉपर्टीज यूज करी है फील्ड प्रूफ करने के लिए. जो प्रॉपर्टीज थी चार, उस पर मैंने कम्यूटिविटी दिखा दी है. देन आई हैव शोड इट हैज यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट. ओके, सो बाय ऑल द फोर कंडीशंस इज अ फील्ड एंड देन वी हैव फाउंडेड दिस. ओके, सो हियर आई स्टॉप माय लेक्चर. हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे.